तो रेस्टिंग पीडीएफ फैमिली आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं उनका इतना लंबा जो यूनिवर्सल टाइटल का रेन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और जैसा आपको याद होगा कि नाइट ऑफ चैंपियंस में जिमी उसो ने ब्लड लाइन को ब्रेक करके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर दिया था, तो रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि उनके खुद के कजन जिमी उसो हो सकते हैं। और इस थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जिमी उसो और रोमन का ब्रॉल फैंस को देखने मिल सकता है। और इस साल मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच के लिए दो पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं। और जैसे मैंने आपको नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले भी बताया था कि कॉडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का मैच WWE तीसरी बार भी करवाएंगे, तो नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद कॉडी ने एक बार फिर से ओपन चैलेंज कर दिया है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो नाइट ऑफ चैंपियंस इवेंट में जब रोमन रेंस के मैच में रोमन ने गलती से रेफरी को स्पीयर दे दिया, तो जैसे ज्यादातर रोमन रेंस के मैच में उसोज उनकी मदद करने आ जाते हैं, तो इस मैच में भी उसोज रोमन की मदद करने आ गए, लेकिन गलती से उसोज ने सुपर किक उनके छोटे भाई सोलो सिकावा को मार दिया। और रोमन इस बात से गुस्सा हो गए और रोमन उसोज को ये बोलने लगे कि तुम दोनों को मैंने तो नहीं बुलाया था, फिर तुम मेरी परमिशन के बिना इस मैच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। और रोमन ने पहले जिमी उसो को धक्का दिया और उसके बाद रोमन जिमी उसो को भी धक्का देकर ये बोल रहे थे कि मेरे रिंग से बाहर चले जाओ, लेकिन जैसे ही रोमन पीछे घूमे जिमी उसो ने रोमन रेंस को सुपर किक मार दिया। और उसके बाद जिमी उसो मना कर रहा था जिमी उसो को कि वो रोमन पे अटैक ना करे, लेकिन जिमी उसो ने एक और सुपर किक मारकर ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि जिमी उसो अब ब्लड लाइन से बाहर हो चुका है। और जिमी उसो ने जे को भी ये समझाया कि मैं तुम्हारा अपना भाई हूँ ना कि रोमन रेंस। और जिमी ने बोल दिया कि अब हम दोनों ही साथ हैं रोमन रेंस के खिलाफ। और भले ही जे उसो अभी रोमन रेंस के खिलाफ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जुड़वा भाई जिमी उसो के साथ चले गए। और अब आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE ने ये अनाउंस कर दिया कि रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं उनका यूनिवर्सल टाइटल का रेन जो कि 1000 दिन से ऊपर हो गया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और रोमन रेंस इस जिमी उसो की सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे और हो सकता है कि उसके बाद जिमी उसो आकर रोमन रेंस को चैलेंज कर दे सिंगल्स मैच के लिए, या फिर रोमन और सोलो सिकावा का मैच जिमी और जे उसो के साथ हो सकता है मनी इन द बैंक पेपरव्यू में। वैसे जिमी उसो और रोमन रेंस के मैच में आप लोग किसे सपोर्ट करोगे कमेंट के साथ शेयर करें। और इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ में रिकुशे ने मिस को हराकर और शिंसुके नाकामुरा ने ब्रॉन्सन रीड को हराकर इस साल मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में उनकी जगह बना ली है। और बैकलैश में पहले कॉडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हराया और फिर नाइट ऑफ चैंपियंस में ब्रॉक लेसनर ने कामुरा लॉक से कॉडी को बेहोश करके नाइट ऑफ चैंपियंस में कॉडी के ऊपर जीत हासिल कर ली। लेकिन क्योंकि अब दोनों एक एक बार जीत चुके हैं, इसलिए WWE इनके फ्यूड में तीसरी बार मैच करवाएंगे और हो सकता है कि ब्रॉक और कॉडी रोड्स का मैच मनी इन द बैंक 2023 में फैंस को देखने मिले। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।